देखा एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इसी से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। ध्यान में रखते हुए यहां पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहां के पर्व, यहां के त्यौहार, यहां की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। तो रामलला के द्वार, सीएम योगी की सरकार, अयोध्या में बैठक करके सीएम योगी ने क्या वाकई इतिहास रच दिया। योगी कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसलों पर मोहर लगने का जिक्र किया जा रहा है, मगर सवाल यह कि आखिरकार योगी कैबिनेट पर विपक्ष को एतराज क्यों? बैठक अयोध्या में हुई लेकिन लखनऊ में विपक्ष को टेंशन क्यों? वैसे यह पहली बार है जब अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। जो 14 प्रस्ताव हैं उनका जिक्र तो किया ही जाएगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में संकेत देने की कोशिश की कि आज अयोध्या आकर्षण का केंद्र बन गई है। केंद्र और राज्य सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं अयोध्या के भीतर, उसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि 30,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, उससे ज्यादा की योजनाएं इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं और 178 योजनाएं अयोध्या में चलाई जा रही हैं। बकायदा इन 14 प्रस्तावों में खासतौर पर जिन बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने का जिक्र किया जा रहा है उसमें प्राधिकरण की स्थापना, इसके साथ साथ राज्य स्तर पर प्राधिकरण को बनाने का फैसला लेने का जिक्र और तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। मगर सवाल सियासत का भी है, मसला चुनाव का भी है और राम मंदिर हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक संदीप त्रिपाठी जी, योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और राजनीतिक प्रशिक्षक के रूप में नवीन दुबे जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। कैसे त्रिपाठी जी?
तो अयोध्या में बीजेपी कह रही है इतिहास रच दिया योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके, क्या हुआ, कोई दिक्कत समस्या विपक्ष को? नहीं सर, ये कैबिनेट का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी करें, चाहे जो है अलीगढ़ में करें चाहे अयोध्या में करें, ये तो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ काम करें सर, कुछ काम करें। ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है इससे काम नहीं चलेगा सर। अच्छा। 2018 से सर शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली है, 5 साल हो गए सर, उस पर बात नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ये 2 विश्वविद्यालय का नाम नहीं बता सकते जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो, लोकार्पण कर दिया हो। मंदिर तो बन गया सर, उसको आम जनता ने बनाया, एक ट्रस्ट ने बनाया, लेकिन ये दूसरे के बेटे को अपना बेटा कहने की जरूरत क्यों? नहीं तो आप ही तो कहते थे ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप तो तारीख भी बता रहे, कैबिनेट की बैठक भी कर रहे हैं। नहीं नहीं तिलक जी हाँ। मतलब ये यही तो दूसरे के बेटे को अपना बेटा बताने की जरूरत है भाई? आप में क्षमता हो पैदा कर लीजिए, आप में क्षमता नहीं है पैदा करने की, आप जो दूसरे के बेटे को अपना बेटा बताएंगे? नहीं, दूसरे के बेटे को अपना बेटा राम मंदिर, मैं समझा नहीं आपकी बात त्रिपाठी जी, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। मैं एक्सप्लेन सिर्फ कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, और उस ट्रस्ट में भारत की जनता ने, हर एक वर्ग के लोगों ने अपना जो है योगदान दिया है, वो ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं, के तो कैबिनेट की बैठक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अयोध्या क्योंकि प्रयागराज में भी कैबिनेट की बैठक हुई, यहाँ भी हुई, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं, हमने क्या कहा सर, हमने बात की शुरुआत वहीं से की कि ये योगी जी की मंशा है भाई, मुख्यमंत्री है कहीं पे करें लेकिन कुछ काम करें। अच्छा, हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। तो अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हेडलाइंस मैनेजमेंट है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों सर, मैंने 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 क्यों का कारण दिया कि 2018 से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकलती है, 3 साल हो गए लगभग पुलिस की वैकेंसी को निकले हुए। ठीक सुरेंद्र जी, त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है, अयोध्या में राम मंदिर के पास जाकर आपने कैबिनेट की बैठक की, इस बात को लेकर वो कह रहे हैं हेडलाइंस मैनेजमेंट है। देखिए तिलक जी, जहां तक त्रिपाठी जी अभी ये बोले, जिनके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कोई अस्तित्व नहीं है उस पार्टी की, 35 साल से तो वो खुद गायब है उत्तर प्रदेश में, उनका तो कोई जनादेश नहीं है, और वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार को लाने का काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर जो है गुंडा माफिया को बढ़ावा देने का काम किया। नहीं, राम मंदिर पे आइए ना, राम मंदिर, रामलला, मैं राम कैबिनेट की बैठक हूँ, इन्होंने कहा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और आप देखिए, जब प्रयागराज के अंदर जब कुंभ का मेला लगा था, इनके सहयोगी ही दल किनको अध्यक्ष बनाए थे? आजम खान साहब को, जिनको उससे कुछ लेनी देनी नहीं हो। तो आज अगर अयोध्या के अंदर जो है अगर कैबिनेट की बैठक हुई है, अयोध्या का विकास हो रहा है, सनातन का विकास हो रहा है, आज हिंदू तो जो आज गर्व का दिन है, तो आज इनको बुरा लग रहा है, इनको आज हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अयोध्या के लिए तो ये लोग हमेशा सवाल उठाते थे, भैया आप बताओ रामराज कब आएंगे, डेट कब बताओ। अरे हम तो रामराज भी लाने का काम किया, हमने उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया, और हमने डेट भी बताने का काम किया। इनके जैसे तो हमारे कोई नेता इच्छाधारी हिंदू है नहीं कि जब चुनाव आएगा तब मंदिर जाएंगे, उसके बाद हिंदू को गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे। नहीं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि एतराज इस बात को लेकर है कि कुछ होना भी चाहिए। नहीं तो हो रहा है ना सर, आज पूरा दुनिया जो है अयोध्या को देख रहा है, पूरा दुनिया उत्तर प्रदेश को देख रहा है, पूरा दुनिया जो है आज उत्तर प्रदेश को आने के लिए तैयार है। मंत्री जी के सजाती हो तो इनको दिखाई तो दे रही है, इसका मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो आज विकास हुआ है, जो आज इतिहास हमने आपसे पूछा दो यूनिवर्सिटी जानते हैं कि आप लोग राम कोई लोग हो, सुनिए पता है कि आप हम जो है हमारी हिंदू नहीं है। एक मिनट योगेश मिश्रा जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट योगेश मिश्रा जी, योगेश मिश्रा जी एक मिनट, ये कैबिनेट की बैठक अगर लखनऊ से सरकार उठ के अयोध्या रामलला के दरबार पहुंच गई, सरकार लखनऊ से उठ के अयोध्या के दरबार में
रामलला के दरबार में पहुंची। तो इसमें दिक्कत आपत्ति क्यों योगेश जी? आदरणीय तिलक चावला जी, किसको दिक्कत है, कहां आपत्ति है किसी को? साहब प्रभु श्री राम 6 साल में तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम ही नहीं किया, कम से कम अपने शरण में गए हैं कि प्रभु अब कृपा बनाए रखना, विकास के नाम पे बोलने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, कम से कम आप आशीर्वाद बनाओ कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। हम कह तो रहे हैं कि लखनऊ में आप क्यों नहीं बात करके क्यों भागे, मैं कह रहा हूँ 1112 में बेटियां बैठी थी ना धरने पे, आपने उनके साथ क्या व्यवहार, कहीं विरोध ना हो जाए ठीक है, आप अयोध्या आते हैं, अयोध्या में सरकारों का काम होता है कि प्रदेश के विकास की एक रोड मैप तैयार करते हो, बैठक करना बिल्कुल अच्छी बात है, बैठक होनी चाहिए, जो प्रस्ताव पारित हुए हैं प्रदेश के हित में है, लेकिन साहब आप कुछ ऐसे प्रस्ताव लाते हैं कि प्रदेश में कोई एम्बुलेंस के अभाव में मरीज की मौत ना हो जाए, जीरो टॉलरेंस की जो झूठी हवाई बातें करते हैं उस पर आप लगाम लगाने के लिए कोई बात करते, आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते, किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन चावला जी पहले से है ना, युवा तो बहुत पहले से कह रहा है साहब हमको रोजगार दे दीजिए, अरे राम मंदिर बना रहे हैं ना, अरे किसान कह रहा है साहब हमको, अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर से रोजगार नहीं आने वाला, कुल मिला के ये थी? अरे नहीं आने वाला साहब, ये तो शुरू से, अच्छा राम मंदिर से रोजगार नहीं आता, अच्छा एक मिनट, आपने कहा मंदिर से रोजगार नहीं आता, ये अलग थ्योरी हो सकती है कि मंदिर से रोजगार कितना आता है वो भी एक अलग विषय है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर निर्माण पर रोक थी, अयोध्या के विकास पर रोक नहीं थी, समझ रहे हो ना योगेश जी? अगर सफाई का विकास हो सकता था तो अयोध्या का क्यों नहीं? बिल्कुल किया था, तो आपके एजेंडे में अयोध्या रहा? बिल्कुल किया था, तो अयोध्या का विकास अगर हो रहा है तो फिर इसमें किसको आपत्ति और क्यों आपत्ति? अरे हमने कहा किसको आपत्ति है? तो सर अयोध्या आप ये कह रहे हो ये क्यों नहीं किया, कि आपने फिर सफाई में विकास किया तो अयोध्या में क्यों नहीं किया, ये सवाल नहीं खड़ा होगा? हमने सुनिए तिलक जी, 75 के 75 जिलों को एक समान समझ के विकास करके समाजवादियों ने किया था, हम इनकी तरह नहीं है कि अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़। अच्छा तो सफाई महोत्सव के लिए आपके पास बजट था, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के लिए बजट नहीं था आपके पास? गोरखपुर महोत्सव के लिए इनके पास बजट था, बच्चे एम्बुलेंस के अभाव में, सर गोरखपुर महोत्सव में वहाँ पे कलाकार नहीं नचा रहे थे बॉलीवुड के योगेश जी? हाँ तो ठीक है ना, एक मिनट, अगर आपका सर प्राथमिकता तय है ना आपकी, आपने कहा कि सफाई में हम बॉलीवुड के कलाकारों को नचाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं अयोध्या में हम दीपोत्सव मनाएंगे, आप कह रहे हो हमें दिक्कत है, ठीक है ओके एक मिनट। अरे साहब गोरखपुर महोत्सव में तिलक जी जानकारी दुरुस्त करिए, क्या कर रही थी सरकार? सर मैंने दीप उत्सव की बात की थी, मैंने दीप उत्सव की बात की थी अयोध्या में, एक मिनट नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी ये कैबिनेट की बैठक, अब मसला तो प्राण प्रतिष्ठा का है, अब तो उस दिन तो फिर तो सियासत कोहराम मचा देगी कि नहीं, आज ये आलम है तो तब उस वक्त का नजारा क्या होगा? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है कि किसी भी जनपद के किसी भी कमिश्नरी की किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई अधिकरण बनाया जाता है, उन्होंने वहां जलमार्ग अधिकरण को गठन करने की फैसला लिया है इस कैबिनेट की बैठक में, तो निश्चित तौर पर ये योगी जी की सरकार का एक सराहनीय फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात तिलक जी आती है कि जब धर्म की चीजों का राजनीतिकरण होता है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को खराब लगता है। देखिए ऐसा है कि अयोध्या के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक अलग संस्था है, और आपको याद होगा कि वहां के जो अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे उनका नाम वहां पर जमीन घोटालों में भ्रष्टाचार में सामने आया था। अशोक सिंघल जी ने भी कई बार सवाल किए कि भाई इस ट्रस्ट के पास कितना पैसा है, कहाँ लग रहा है, कितना पैसा के कौन मालिक है, उसमें भी काफी सारे सवाल उठाए गए थे, मीडिया ने भी उठाए थे, विपक्षियों ने भी उठाए थे, इवन भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोगों ने भी उठाए थे। इस आंदोलन को शुरू करने वाले प्रवीण भाई तोगड़िया, आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर पूरे देश में घूमे थे, आज आडवाणी जी को हाशिए पर करके भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर वो लेना भी चाहिए उनको क्योंकि उन्होंने वहां बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की है, लेकिन मेरा एक सवाल रहता है कि आप तमाम प्राधिकरण बना दीजिए, तमाम अधिकरण बना दीजिए, आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। आप नोएडा का उदाहरण लीजिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला शहर है नोएडा, और नोएडा प्राधिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आखंड भ्रष्टाचार है। सहमत हूं जरा, इसका जवाब सुरेंद्र जी देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए,
कि अयोध्या के विकास के लिए तो किसी सरकार को नहीं रोका गया था ना। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। विषय तो ये है ना कि अयोध्या के विकास के लिए किसी सरकार को नहीं रोका गया। निश्चित तौर पर योगी जी की सरकार ने वहां बढ़ चढ़कर काम किया है और ये सराहनीय है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक, योगेश जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर त्रिपाठी जी और सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे कि अयोध्या के विकास की दिक्कत कहां। अरे सर, हम कह रहे हैं कि एक एक अयोध्या का विकास कौन कहता नहीं हुआ। समाजवादी सरकार में प्रदेश के 75 जिलों का विकास समान रूप से किया गया। अच्छा, मतलब आप क्या कह रहे हो कि सफाई और जो है अयोध्या दोनों एक समान थे विकास के पैमाने पर। साहब आप, अरे क्यों नहीं है साहब, ऐसे ही नवीन तो मुख्यमंत्री। अच्छा, मुझे तो चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा फिर। नहीं किया गया वहाँ पे काम। अरे बिल्कुल, वाराणसी में भी नहीं किया गया, आपका अयोध्या में भी नहीं किया, प्रयागराज में भी आपने कुंभ का सफल आयोजन किया था योगी जी, उसके बाद बताइए बात में आप। कुंभ मेले का आपने बहुत सफल आयोजन किया था, उसका श्रेय हम आपको देते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे अयोध्या में आपने बिल्कुल प्रयागराज में विकास किया, वाराणसी में विकास किया, मथुरा में विकास किया, तो ये बात गलत है। लाइव में कमेंट आया, आप पता नहीं अयोध्या में काम हुआ कि नहीं हुआ, सरयू की नदी जरूर लाल हो गई थी। खैर छोड़िए उस बात को। त्रिपाठी जी, वो लाइव में कमेंट आ रहा है इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वो कह रहा है कि अब तो राहुल जी कम से कम रामलला के दर्शन करने जाएंगे ना, कि नहीं। त्रिपाठी जी बिल्कुल जाएंगे और जाएंगे, जाते भी रहते हैं। और देखिए, नहीं नहीं जाते नहीं रहते हो, इससे पहले तो कभी नहीं गए ना। अरे सुन लीजिए, ना हो सकता कहीं गए हो तो मुझे बता दीजिए। सर चलिए चलिए सर सर सर, गुजराती पंडा 12 साल मुख्यमंत्री था, आया था कभी क्या? नहीं आया था ना। अच्छा बस, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रियंका जी प्रभारी हो सकती है, हनुमानगढ़ी जाएंगे लेकिन रामलला नहीं जाएंगे, राइट? हम कह रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि मोदी तो हनुमानगढ़ी। सर आपसे पूछ लिया मैंने तो आप इतना नाराज क्यों हो गए कि राहुल जी जाएंगे? आपने कहा जाएंगे, बस बात ही खत्म हो गई। बस आगे बात, जो मुद्दे की बात है, तो मतलब जाएंगे ना राहुल जी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, ओके सुरेंद्र जी जाएंगे। इस बार थोड़ी ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तिलक जी रिक्वेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, और वो सुनी जानी चाहिए, विनम्रता के साथ मैं कहूंगा। सर अभी अयोध्या के डेवलपमेंट की बात की, राम मनोहर विश्वविद्यालय तो जानते नहीं होंगे इसलिए कि ये तो सर सर कोई उत्तराखंडी बाबा है, कोई गुजराती पंडा है, सब उत्तर प्रदेश को लूटने आए हैं सर। ये लुटेरे लोग हैं, इनको नहीं पता होगा कि राम मनोहर लोहिया वहीं पर बना हुआ है, इनको नहीं पता होगा कि खाद रसद का पूरा पूरे उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस से लेकर सबसे बड़ा गोदाम से लेकर वही फैजाबाद में बना हुआ है। इनको नहीं पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का रिवेन्यू डिपार्टमेंट उसी फैजाबाद में है। इनको नहीं पता होगा कि वहां पर जो है सेना की जो है अमेठी के पहले की वो है जहां 6 महीने में भर्ती निकलती थी, इन दलालों ने उनको अग्निवीर के नाम पर भर्ती को बंद कर दिया। ये सर डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट मतलब आप कह रहे हैं कि अयोध्या में भरपूर विकास हुआ। सुनिए सर, अयोध्या की बात कर रहा हूँ, अयोध्या में भरपूर विकास हुआ ना, बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे राज में अयोध्या का भरपूर विकास हुआ। सुनिए सर, एक चीज और सर, सर सर और थोड़ा ये जवाब बहुत ज्यादा फुदक रहे ना। अभी आपने कहा कि अभी तक किसी ने विकास नहीं किया, क्या ये बताइए कि पहली बार सरकार ने राम सेवक के ऊपर पहले कल्याण सिंह के गठबंधन वाले मिलकर क्यों नहीं किया, क्या पहली बार सरकार आज ये कह रहे हैं कि वहाँ भरपूर विकास हुई है, राम जी को देखे ना विकास हुई है तो दिखा क्यों नहीं वहाँ पर आपको जनता ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, 300 करोड़ रुपए जनता ने आपको नकार दिया 35 साल के कैरियर बना दिया, आज आप कह रहे हैं कि विकास हुई है, विकास हुई है और आप कह रहे हैं कि राहुल जी जाएंगे वहाँ दर्शन करने। अरे राहुल उनका धन से कोई मतलब नहीं है, ये जहाँ से आते हैं सर वहाँ पर किसी मूर्त को नहीं पूजा जाता। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आप इतना गुस्सा क्यों, यानी कुल मिला के अयोध्या में कैबिनेट नहीं होनी चाहिए थी, आप यही कह रहे हो ना। सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। नवीन जी वो कह रहे हैं अयोध्या में क्यों करते हो, प्रयागराज में क्यों करते हो? नवीन जी, नवीन
नवीन जी एक मिनट, नवीन जी ये समझ नहीं पाए, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस बार जो है राहुल जी रामलला के दर्शन करने जरूर आएंगे, एक बात बहुत अच्छी कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि विकास की नदी बह रही थी वहां अयोध्या में, आपको दिखाई दी क्या? नहीं देखिए ऐसा है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ तो सत्ता में नहीं है, लेकिन कह रहे हमने विकास की नदी बहाई थी। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं हो सकता है, तत्कालीन समय के हिसाब से देखिए समय बदला है और समय का जब बदलाव आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन मोबाइल जब हाथ में आया है, उससे पहले से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। मान सकते हैं कि छोटा मोटा सड़कों का विकास और वो सब चीज उन्होंने कनेक्टिविटी की होगी, इसको दोहराए नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि समग्र विकास जिस तरीके से अबर यूनिवर्सिटी बिल्कुल आपके डायरेक्टली शैक्षणिक संस्थान IIM IIT का श्रेय आपको जाता है, ये कांग्रेस ने इन्फ्रा दिया है, बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा, सुरेश जी को स्वीकार करना पड़ेगा, ये इन्फ्रा कांग्रेस का दिया हुआ है, इसको स्वीकार करेंगे। बाबा ऑटोमिक एनर्जी इतना बड़ा सेंटर कांग्रेस की सरकार का दिया हुआ है, इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। योगेश जी मैं भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी वही सवाल आया है लाइव में, कह रहे कि योगेश जी से पूछ लो, अब तो अखिलेश जी जाएंगे ना रामलला के दर्शन करने, रामस्वामी प्रसाद मौर्य जाने नहीं देंगे, अखिलेश जी के हैं, मोदी जी के हैं, राहुल जी के हैं, तो आपके भी तो हैं सर, राम तो सबके हैं। अरे सवाल बनता ही नहीं कि कौन जाएगा कौन नहीं, जिसकी आस्था नहीं बनता, ये तो आपकी आस्था भी होगी ना राम के प्रति, सुन लीजिए मोदी जी का पेटेंट हो रखेगा, नहीं किसी का पेटेंट नहीं है, राम किसी का पेटेंट हो सकता है क्या? राम जी के हाँ बिल्कुल, आप नहीं जाएंगे क्या? एक मिनट त्रिपाठी जी, आपके अलायंस पार्टनर है, बोलने दीजिए ना, आपके अलायंस पार्टनर है आपके सही, एक मिनट त्रिपाठी जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, आपके अलायंस पार्टनर है, एक मिनट सुन लीजिए ना, अच्छा बोलते हैं मिश्रा जी, तभी मैं बता रहा हूँ, मिश्रा जी बता रहा हूँ कि अखिलेश जी ने आप नहीं जाएंगे क्या राम जी का दर्शन करने, प्रतिष्ठा के बाद आपके भी तो आराध्य है, हाँ तो राम जी तो सबके आराध्य है, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए ना, आपके अलायंस पार्टनर है, आपके अलायंस पार्टनर है, आपके सहयोगी है गठबंधन के, अब यहाँ भी पुराने जमींदार बन के, एक मिनट आप सुनना ही नहीं चाहते तो क्या बोलूं मैं कह तो रहा हूँ आप भी आप नहीं जाएंगे क्या राम जी के दर्शन करने, आप बता दीजिए हाँ है ना। हाँ मैं तो जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, हर एक आदमी जाएगा, बिल्कुल जाऊंगा, अगर आप जाएंगे तो पर्ची तो मैंने भी कटवाई होगी, हो सकता है, सुन लीजिए मिश्रा जी मैं भी जाऊंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अब तक नहीं गए तो आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये पूछ रहा हूँ बस, लेकिन हमने सर चंदा दिया है, हाँ त्रिपाठी जी आपने दिया, हो सकता है मैंने भी पर्ची कटवाई हो, छोड़िए उस बात को, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आप पहले नहीं गए, आप जाएंगे, इतना ही तो सवाल था, क्यों गुस्सा हो रहे योगेश जी आप, इतना तो सवाल पूछा, आप जाओगे ना, राम जी पे अधिकार है क्या किसी का? राम नहीं किसी का नहीं है, पहले भी नहीं था, राहुल जी के हैं तो क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, पेटेंट करा रखा है क्या मोदी जी ने, पेटेंट बिल्कुल जाना चाहिए राम जी को, बिल्कुल जाना चाहिए, हनुमानगढ़ी से गाड़ी नहीं घूमनी चाहिए, हनुमानगढ़ी से सीधा राम मंदिर है, रामलला जय श्री राम, आकलन करते रहिए, अरे जय श्री राम बोल देते बस, करने से कोई नहीं जाने वाला, नफरत का है सर, जय सिया राम, हाँ जय सिया राम, त्रिपाठी जी राम तो सबके है ना, तो इतना हाँ, काल्पनिक नहीं है, भूल जाओ जिन्होंने कहा काल्पनिक, वो भूल जाओ उस बात को, किसी ने नहीं बोला काल्पनिक, छोड़ दीजिए आप, गुस्सा मत होइए, ओके ओके ओके, त्रिपाठी जी कह रहे हैं राहुल जी जाएंगे और योगेश जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जाएंगे, सबको जाना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, नवीन जी योगेश जी त्रिपाठी जी और सुरेंद्र जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तो योगी कैबिनेट और कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले और फैसलों के इतर सियासत भी, यानी रामलला के द्वार योगी सरकार, लेकिन विपक्ष को ऐतराज, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।